सभी का स्वागत है पंजाब केसरी डॉट कॉम में और मैं हूं आपके साथ प्रज्वल। गुजरात के गांधीनगर की एक अदालत ने आसाराम बापू को 2013 के एक दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले कोर्ट ने सोमवार को आसाराम बापू को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया था। आज कोर्ट ने इस मामले में सजा का ऐलान किया। बता दें कि आसाराम पर दो बहनों ने साल 2013 में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। बताते चलें कि कोर्ट ने आसाराम बापू को धारा 376, 377, 354, 342, 357 और 506(2) के तहत दोषी पाया था। कोर्ट ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 50,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इससे पहले विशेष लोक अभियोजक आरसी कोडेकर ने अदालत से आसाराम को आजीवन कारावास और भारी जुर्माना लगाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हमने कोर्ट से अपील की है कि पीड़िता को मुआवजा दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि सूरत की रहने वाली एक महिला ने अक्टूबर 2013 में आसाराम और 7 अन्य के खिलाफ बलात्कार और अवैध तरीके से कैद रखने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। एक आरोपी की मुकदमा लंबित रहने के दौरान मौत हो गई। जुलाई 2014 में मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था। बता दें कि आसाराम बापू वर्तमान में जोधपुर जेल में हैं। वहीं सूरत की अदालत में नारायण साईं के खिलाफ एक अलग मुकदमा चल रहा है। दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 1997 से 2006 के बीच आसाराम और उनके बेटे द्वारा संचालित मोटेरा आश्रम में उनके साथ दुष्कर्म किया गया था। छोटी बहन ने नारायण साईं और बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम ऐसी ही अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।